नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज आप सबके लिए 8 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम 8 सितंबर के सारे करंट अफेयर कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं और सारे स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस कंपनी को नौसेना के लिए LRSAM मिसाइल बनाने का अनुबंध प्राप्त हुआ है? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है अडानी इंफ्रा, ऑप्शन बी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ऑप्शन सी है BEL और ऑप्शन डी है SEL। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, BEL को LRSAM मिसाइल बनाने का अनुबंध प्राप्त हुआ है नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में किस कंपनी ने IMT सुविधा के तहत ATM से बिना कार्ड पैसा निकालने की सुविधा की घोषणा की है? हाल ही में किस कंपनी ने IMT सुविधा के तहत ATM से बिना कार्ड पैसा निकालने की सुविधा की घोषणा की है? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी है पेटीएम, ऑप्शन सी है क्यू कंपनी बैंक, ऑप्शन डी है टाइम मनी पेमेंट बैंक। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने बिना ATM के पैसा निकालने की सुविधा की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नवजोत सिंह सिद्धू के अनुसार पाकिस्तान द्वारा किस ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक कॉरिडोर आरंभ किए जाने का दावा किया गया है? नवजोत सिंह सिद्धू के अनुसार पाकिस्तान द्वारा किस ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक कॉरिडोर आरंभ किए जाने का दावा किया गया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है कीरतपुर साहब, ऑप्शन बी है डेरा बाबा नायक, ऑप्शन सी है सर हिंद साहब और ऑप्शन डी है करतारपुर साहब। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है, करतारपुर साहब तक पाकिस्तान के अनुसार कॉरिडोर स्थापित करने का दावा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर। निम्नलिखित में से किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? निम्नलिखित में से किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है बिमल जलान, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है यशवंत सिन्हा और ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, बिमल जलान जो पूर्व में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्हीं को मुख्य आर्थिक सलाहकार चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ गगनयान के लिए समझौता किया है? भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ गगनयान के लिए समझौता किया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है इसराइल, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने फ्रांस स्पेस एजेंसी के साथ गगनयान के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कश्मीर का DGP नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कश्मीर का DGP नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है आर्यस सिन्हा, ऑप्शन बी है दिलबाग सिंह, ऑप्शन सी है परमजीत चौहान और ऑप्शन डी है DK मिश्रा। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, दिलबाग सिंह को कश्मीर का नया DGP नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन। फेसबुक एशिया का अपना पहला डेटा सेंटर किस देश में खोलने के लिए करीब 7,190 करोड़ रुपए निवेश करेगी जो 2022 में शुरू हो सकता है? फेसबुक एशिया का अपना पहला डेटा सेंटर किस देश में खोलने के लिए करीब 7,190 करोड़ रुपए निवेश करेगी जो 2022 में शुरू हो सकता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है सिंगापुर। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है, सिंगापुर में फेसबुक एशिया ने अपना पहला डेटा सेंटर खोलने के लिए करीब 7,190 करोड़ निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है लखनऊ। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय शूटर हृदय हजारिका ने कोरिया में जारी ISSF विश्व चैंपियनशिप में जूनियर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शूट ऑफ के जरिए कौन सा पदक जीत लिया है? भारतीय शूटर हृदय हजारिका ने कोरिया में जारी ISSF विश्व चैंपियंस में जूनियर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शूट ऑफ के जरिए कौन सा पदक जीत लिया है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने 5 सितंबर 2018 को किस देश के साथ असैनिक परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत ने 5 सितंबर 2018 को किस देश के साथ असैनिक परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रूस। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, बुल्गारिया के साथ भारत ने असैनिक परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, रूस निर्मित IEL-78 MKI टैंकर द्वारा किस भारतीय लड़ाकू विमान में 4 सितंबर 2018 को उड़ान के दौरान हवा में ईंधन भरा गया? रूस निर्मित IEL-78 MKI टैंकर द्वारा किस भारतीय लड़ाकू विमान में 4 सितंबर 2018 को उड़ान के दौरान ईंधन भरा गया? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है MiG-27, ऑप्शन बी है सुखोई S-30, ऑप्शन सी है HL तेजस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है HAL तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र और वित्तीय कार्यबल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र और वित्त कार्यबल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, अमेरिका के साथ भारत ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र और वित्तीय कार्यबल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।